गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। मेरे कैमरे के पीछे जो व्यू है ना, मुझे पता है आप गेस कर सकते हो कि मैं हमेशा आपको कौन सा व्यू दिखाती हूँ। मेरे पीजे से मैं हमेशा दिखाती हूँ वो फ्लाईओवर वाला जो व्यू है वो, ठीक है। बट अभी मैं जो आपको दिखाऊंगी वो थोड़ा यूनिक होगा एंड बहुत ज़्यादा नेचुरल सुंदर होगा वो। सो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कैमरे के पीछे कैसा व्यू है। वो ही व्यू है बट इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। लेट मी शो यू। एंड ये है मेरा व्यू, मेरे पीजी के रूम से व्यू है ये। मुझे पता है आप लोग पहले भी देखा होगा बट अभी थोड़ा यूनिक इसलिए है क्योंकि बारिश हो रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा। यहाँ से उतना पता नहीं विजिबल है अभी कि नहीं। मैं विंडो खोलूँगी, वेट जस्ट। आप विंडो ना खोल के आप देखो कैसा व्यू है। बहुत सुंदर व्यू है, बहुत तेज बारिश हो रहा है। आजकल रोज ही बारिश होता है बट क्या है अभी कुछ ज़्यादा। मैं बस अभी ही ऑफिस से आई हूँ एंड अभी ही बारिश स्टार्ट हो गया है। मैं विंडो खोल के दिखाती हूँ एंड हियर इट इज। बहुत तेज बारिश हो रहा है। आपको ये फ्लाईओवर अभी खाली दिखाई दे रहा है, बस 10-15 मिनट या एक घंटा मान लो मैक्सिमम। उसके बाद आपको दिखाई देगा बस गाड़ी, क्योंकि पूरा ट्रैफिक हो जाएगा और आजकल रोज फ्लाईओवर पूरा जाम हो जाता है। तो यहाँ से पूरा ही दिखाई देता है। रात को ना बस रेड लाइट मिलेगा, मतलब ट्रैफिक की वजह से आपको पूरा फ्लाईओवर पूरा रेड रेड टाइप का लगेगा। सोचो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। वो वाला जो वो सब बिल्डिंग है ना, हमेशा दिखाई देता है लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। एंड ये है रास्ता एंड यही है वो जूडियो का नया शोरूम जो अभी ओपन हो रहा है। एंड स्ट्रेट जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वो मन्याता का है। आप कमेंट करके बताओ ये व्यू कैसा लगा आपको। तो आप मुझे बताओ कि आपको ये व्यू कैसा लगा, क्योंकि ये जो व्यू है ना लाइक बहुत स्पेशल है मेरी और मेरी रूममेट के लिए। क्योंकि बहुत लोग ना बहुत स्पॉट पे जाते हैं लाइक सनराइज स्पॉट, सनसेट स्पॉट ऐसा। बट वी आर सो लकी कि हम लोगों को सनसेट बहुत अच्छा दिखने को मिलता है शाम को। एंड तो वही हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं कि यार बहुत लोग तो जाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं वो व्यू के लिए जाते हैं बस। एंड वी आर सो लकी कि हम लोग को ये व्यू मिला है पीजी की तरफ से। पीजी का सब कुछ अच्छा है बट कभी कभी ये ना खाना, घर जैसा तो खाना नहीं मिलेगा आई नो, बट स्टिल कभी कभी खाने लायक नहीं होता है। कल वाला जो शॉर्ट्स में मैंने चाय का वीडियो डाला था ना, इसमें चाय कम पानी ज़्यादा था पता है। मतलब वो लोग कोई टेस्ट ही नहीं है, पूरा टेस्टलेस पानी ज़्यादा था। अब मैं घर पे बताती हूँ तो मेरी मम्मी बोलता है कि मैं एडजस्ट करूँ, घर जैसा तो नहीं मिलेगा। अब जीना तो पड़ेगा, रहना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा। सो तो इस व्लॉग में इफ यू आर न्यू देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। तो माय नेम इज़ श्रीजा शाह एंड आई एम फ्रॉम अगरतला एंड आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर नाउ एंड आई एम 23 इयर्स ओल्ड। सो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। एंड अगर आपको और कुछ जानना है मेरे बारे में देन आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स सब देखो, डेली व्लॉग्स देखो, शॉर्ट्स देखो। आई होप यू विल लाइक इट, क्योंकि मैं जो डेली का जो होता है ना वही मैं डालती हूँ। कुछ कस्टमाइजेशन कुछ अलग से मैं नहीं डालती। सो लाइक रियल, यू नो लाइक होता नहीं है कि एकदम रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है लाइक दैट। सो आज है फ्राइडे एंड वी कैन केम हियर। पहले ना ऑफिस में हाइब्रिड मोड में था मेरा ऑफिस पहले, ओनली 3 डेज 2 डेज था। बट अभी ना हम लोगों का रोज है लाइक एवरी डे ऑफिस 5 डेज। बहुत हेक्टिक हो गया अब, लेकिन आज मेरा फ्राइडे है एंड आई एम सो हैप्पी, फीलिंग सो रिलैक्स कि सोने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, आराम करने को मिलेगा। एंड दिस वीकेंड मैं अपना वीकेंड दिस वीकेंड मैं जा रही हूँ मेरी बुआ के घर, मतलब आज ही। तो मैं ये वीकेंड बुआ के घर में स्पेंड करूँगी। वो बहुत दिन से मुझे बुला रहे हैं बट मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। एंड लास्ट टाइम ना मैं हैदराबाद में जब थी तब इनका बर्थडे था तो उन्होंने मुझे बुलाया भी बट नहीं जा पाए। हैदराबाद थी मैं तब, तब वो बोल रहे थे कि तुम जब आओगे तो आना। तो आई, आने के बाद 1 वीक हो गया मेरा हैदराबाद से आए हुए बट मैं अभी तक नहीं गई।
मैं सोची थी आज ही जाऊंगी। मैं बस अभी ऑफिस से आई हूँ तो मुझे पैक करना है। मैं सोची थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर पैक करूँगी फिर जाऊँगी। आज जाऊँगी, संडे नाइट को आ जाऊँगी क्योंकि मंडे से मेरा फिर से ऑफिस है, हो ही नहीं पाएगा। वो मुझे बहुत फोर्स कर रही थी कि तुम रहो, मंडे को रहो, ट्यूजडे चले जाना, बट मंडे पॉसिबल ही नहीं है, मुझे ऑफिस भी जाना है। सो आप मुझे ये बताओ, लास्ट वाला जो इस्कॉन टेम्पल का ब्लॉग था आपको कैसा लगा था? मतलब स्पेशली दोज पीपल वॉन्ट टू गो स्पेशली फॉर दैम, आपको कैसा लगा? मैंने ना एक गलती करी थी लास्ट ब्लॉग में, मैंने लास्ट ब्लॉग में इस्कॉन टेम्पल के इस्कॉन का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया था। ISKON लिखा था, बट इट विल बी ISKCON, ठीक है। तो ये एक किसी ने कॉमेंट किया है इसमें कि तो करेक्ट माई स्पेलिंग, सो थैंक यू सो मच। अगर आप सच में नहीं बोलते ना तो कोई बोला ही नहीं था मुझे कि मेरा स्पेलिंग गलत था उस टाइम। आपने बोला इसलिए मैं बाद में एडिट किया, वरना तो ऐसे ही रह जाते। सो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मेरे ब्लॉग पे सब कुछ स्पेलिंग्स लोकेशन सब कुछ ठीक है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच। तो आप लोग हेल्प करना चाहिए, मतलब मैं अगर कुछ गलती तो होते हैं सबको, आप लोग अगर हेल्प करोगे ना देन इट विल बी फाइन, ऑफकोर्स इट विल बी फाइन। सो आप ब्लॉग पे बने रहो। एंड क्या है ना, मेरी बुआ का तो बर्थडे था ना आज, मैं सोची हूँ कुछ लेके जाऊँ उनके लिए खाना। अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं क्या लेके जाऊँगी, लाइक केक या कुछ और। कभी कभी बहुत लोग केक भी पसंद नहीं करते हैं, तो वही मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि मैं उनके लिए क्या लेके जाऊँगी। मेरे एक भाई है वहाँ पे, मेरी बुआ है, भाई है, मेरी फूफा जी है, वो अभी नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। अभी घर पर बस दो ही लोग हैं, मेरे भाई और मेरी बुआ। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ तो मैं जो ये मेरी बुआ को ना बुआ नहीं बुलाती हूँ, एक्चुअली हिंदी में उसको बुआ बोलते हैं, बट आई एम कॉलिंग हर रांगा पिशी बोल के। तो भाई अगर मैं नेक्स्ट टाइम से ब्लॉग में रांगा पिशी बोलूँगी तो आप समझ लेना कि मैं बुआ के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि पिशी मतलब बुआ होता है बंगाली में। तो उनके घर में जाऊँगी, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मुझे, लाइक बहुत केयर भी करते हैं। कभी कभी फील ही नहीं होता है कि मैं घर से दूर हूँ, वो अपने मेरे फेवरेट का खाना सब कुछ मेरे लिए करता है। अभी मैं जाऊँगी पक्का मेरे फेवरेट का कुछ ना कुछ तो बनाएगी, पक्का करेगी, हमेशा करती है। एंड कभी कभी होता है ना कि आप बहुत लकी होगी। वैसे बैंगलोर में मेरा बहुत सारा रिलेटिव है तो मैं जाती हूँ, लेकिन इनके पास ज़्यादा जाती हूँ क्योंकि इनका घर बहुत पास है मेरे यहाँ से, मान्यता के पास ही है। एंड बाकी सब रिलेटिव के घर अभी तक बस एक ही गई हूँ, एंड बहुत सारे रिलेटिव अभी तक गई भी नहीं हूँ, इतना दूर दूर है तो बहुत टाइम नहीं मिलता है, तो नहीं गई अभी तक। लेकिन ये बुआ के घर ही मैं हमेशा जाती हूँ, तो वही है, उनके घर जाऊँगी, मैं उनका घर दिखाऊँगी। इट्स सो प्रीटी, आप बोलोगे कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो बहुत केयर करते हैं अपने घर का, उनके हाथ का खाना, मतलब टिपिकल बंगाली खाना जो बोलते हैं ना, या नॉर्मल भी अगर आपको पसंद आएगा, अगर आप बेंगलुरु नहीं होगी तो बहुत यूनिक खाना बनाते हैं। अगर वो यूनिक खाना बनाए ना इस वीकेंड तो पक्का मैं ब्लॉग डालूंगी रेसिपी के साथ। सो आप ब्लॉग पे एंजॉय करो, मुझे अभी रेस्ट लेना है थोड़ा, एंड मैं ऑर्डर करूँगी उनके लिए, क्या लेके जाऊँगी उनके लिए। सो एंजॉय दिस ब्लॉग, एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग दैन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आपका प्यार सब कुछ है मेरे लिए, सीरियसली आप लोगों के प्यार अभी ज़रूरत है मुझे, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो अभी बारिश हो रहे थे ना, मैंने बस आप ही को अभी दिखाई थी ना कि बारिश हो रहा है, पूरा आसमान पूरा ऐसा लग रहा था कि बारिश होगा, और बट अभी चेंज हो गया है, मतलब वेदर का ना कुछ ठीक नहीं है। हाँ ठंडा तो है, बट अभी देखो अभी ही लग रहा है कि अभी सनी हो जाएगा। एंड मैं अभी चेंज भी कर लिया अपना ड्रेस, तो अभी मुझे पता है क्या रिसीव हुआ, मुझे अभी रिसीव हुआ मिंत्रा की तरफ से। मिंत्रा ने फ्री में तो नहीं दिया, मिंत्रा की तरफ से मीन्स मैंने ऑर्डर किया वही आया। एंड मैं ना ये कोई एक स्पेशल फेस्टिवल के लिए ऑर्डर किया है, एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि पता है फिर बाद में मानो साइज़ का प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है ना, फिर रिटर्न पॉलिसी रिटर्न में डालो, फिर रिटर्न आके लेके जाएगा, पता नहीं पैसा भी रिफंड होने में। वैसे मिंत्रा का रिफंड हो जाता है उसी दिन, या मैक्सिमम 2-3 डेज में तो हो ही जाते रिफंड पैसा, बट स्टिल इतना लंबा प्रोसेस चलता है उसके बाद। मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि जो भी मैंने एक्सपेक्ट किया वही फुलफिल हो जाए एटलीस्ट।
तो मैं अभी आपके सामने खोलूंगी। मैंने पहले सोचा था ना मैं इसका ब्लॉग अलग से बनाऊंगी, अभी मैं पहनूंगी तो नॉर्मल मैं पहनूंगी बट आपको नहीं दिखाऊंगी, मतलब मैं आपको जस्ट बोलूंगी इसके बारे में, मैं जस्ट नॉर्मली आपको ये कपड़ा दिखाऊंगी। बट जब मैं फेस्टिवल में पहनूंगी ना मैं आपको पक्का दिखाऊंगी कि इसका क्या है क्वालिटीज एंड ऑल, प्राइस कितना है। सो दैट्स इट, मैं खोल के आपके सामने। बस मेरा साइज वगैरह सब कुछ ठीक हो जाए आई होप। मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छे से विजिबल है कि नहीं। कलर बहुत अच्छा है इसका एंड नीचे वाला पार्ट जो है ना वैसा है, वो कुछ ऐसा है। मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ जैसे लग रहा है कि मैं इसको सेल करूंगी आपसे, लेकिन सच में अच्छा तो है, इसका कलर वगैरह सब कुछ अच्छा है, मुझे इसका प्रिंट कलर देन सब कुछ अच्छा लगा। इवन इसका जो है ना डिज़ाइन ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। अगर मेरे को सच में अगर अच्छा लगा ना एंड इसका क्वालिटीज़ वगैरह अगर सब कुछ सही लगा देन मैं आपको इसका अलग से, मैं आपको इसका अलग से ब्लॉग डालूंगी। वैसे भी मैं ये एक स्पेशल फेस्टिवल के लिए ऑर्डर किया एंड फेस्टिवल अभी नहीं है, बहुत टाइम है, बट स्टिल आई ऑर्डर नाउ ओनली, वरना बाद में दिक्कत हो जाता है। ये है उसका जो सूट एंड सेट था ये, एंड ये है इसका पैंट, बस यही कलर है, पैंट सिंपल ही है। दुपट्टा लेकिन प्यारा है, दुपट्टा भी अच्छा है। अब मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखेगी ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि मैं कुछ नहीं खरीदती हूँ, मेरे पास कपड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखेगी ना देन शी विल बी लाइक, खुद तो कपड़ा खरीद रहे हो, हमको बताते नहीं हो। चलो मैं अब इसको पहनती हूँ, मैं देखती हूँ आई होप कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि बहुत प्यारा है, सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे ये एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो, साइज वाइज अगर ठीक हो जाए ना देन आई विल बी लाइक इट। तो मैं अभी आपको दिखाई थी ना ये वाला जो ड्रेस था, आई एम सो लकी कि फाइनली पूरा फिट आ गया मेरा, सही बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छा फिटिंग्स था मेरा एंड इसका जितना भी डिटेल्स है लाइक कलर प्राइस, कलर तो मैंने आपको दिखाई दिया, प्राइस क्वालिटी देन कितना मुझे ऑफ मिला है एंड बस मतलब ये जो डिटेल्स अगर आपको जानना है देन आप कमेंट करो, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स लिंक में बता दूंगी, लिंक के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं लिंक जो कि मैंने कहाँ से खरीदी कहाँ से नहीं खरीदी। सो इसका डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि ये मैं एक स्पेशल फेस्टिवल के लिए ऑर्डर किया था। एक्चुअली ये जो मैंने ऑर्डर किया था ना इसका ब्रांड जो है वो है लिबस, मैंने लिबस से ऑर्डर किया था। लिबस का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, अगर आप मिंत्रा पे लिबस में जाओगे ना बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इट्स रियली अफोर्डेबल। लाइक ये जो मैंने लिया है उतना ज़्यादा महंगा नहीं था बट इसका जो सेट आया ना बहुत प्यारा था, सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी एंड मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये देखो मैंने बोला था ना अभी इतना बारिश हो रहा है पक्का ट्रैफिक होगा, आप बस फ्लाईओवर को देखो अच्छे से, ये जो ऊपर का कार दिखाई दे रहा है मतलब आप सोच भी सकते हो पूरा ट्रैफिक, फुल ट्रैफिक, अभी तो फिर भी गाड़ी जा रहा है। आजकल ना हम लोग जब भी यहाँ विंडो खोलते हैं ना तब भी देखते हैं कि फ्लाईओवर में पूरा ट्रैफिक, बैंगलोर का मतलब ही है ट्रैफिक, किसी को निकलना है एटलीस्ट एक घंटा पहले निकल जाओ,
कुल्फी मंगवाई थी, तो मैंने ऑर्डर किया था, मेरा आ गया, मेरा फ़ोन भी आ रहा है। तो मैंने ऑर्डर किया मटका कुल्फी फ्रॉम नेचुरल्स, मेरे रंगा पिशी के लिए ऑर्डर किया, क्योंकि केक वगैरह तो बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं, तो कुल्फी तो खाते ही हैं सब। एंड ये जो है ना, ये मलाई कुल्फी है, और एक था जो था ड्राई फ्रूट्स का था, लेकिन मैंने ये लिया। बहुत लोगों को ड्राई फ्रूट्स भी नहीं पसंद है, अब पता नहीं क्या कैसा लगेगा उन लोगों को, आई डोंट नो। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बहुत लोग मुझे रिकमेंड किया था, सो टुडे आई ऑर्डर दिस एंड आई होप दे विल लाइक इट। आप अगर ट्राई किए हो, आप बताओ कि आपको ये कैसा लगा था पहली बार। एंड ये है आपका दूसरा व्यू, जो कि व्यू हमेशा बदलते रहते हैं, कभी बारिश होते हैं, कभी धूप आ जाते हैं, कभी कुछ होते नहीं है, मतलब वेदर का कुछ ठीक नहीं है। अभी आपको सूरज दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम बाद फिर से बारिश होगा, कोई ठीक नहीं है। बट अच्छा व्यू है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी पहले। मैं सोच रही हूँ अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे निकलना है, सो स्टे ट्यून्ड, आप व्लॉग पे बने रहो। सो हियर आई गॉट रेडी टू गो एंड मैं तैयार भी हो गई हूँ, नॉर्मल टीजन ट्राउज़र पहनी हूँ। एंड आप मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई नो मैं बुरी लग रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ एंड बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा है जाने में, बट जाना तो पड़ेगा। मैं शाम का पूजा भी कर लिया एंड पैक भी कर लिया एंड रेडी भी हो गई हूँ। अभी बस मेरा काम है कि कुल्फी निकालना है फ्रिज से। मैं जो कुल्फी ऑर्डर किया था ना, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, मतलब डीप फ्रिज में। मेरे यहाँ का ना डीप फ्रिज का भी प्रॉब्लम इन द सेंस, किसी किसी फ्लोर में अच्छा, किसी किसी फ्लोर में अच्छा नहीं है। मेरे फ्लोर में ना उतना अच्छे से काम नहीं करते हैं, मैं थर्ड फ्लोर में जाके रख के आई हूँ। वो मुझे निकलना है अभी, बस पैक वैक करके निकल जाना है, बस अभी ऑटो वाटो बुक करके फिर निकल जाऊँगी। बट मैं बस प्रे कर रही हूँ कि कहीं मेरा कुल्फी ख़राब ना हो जाए जाते जाते, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ और उन लोगों को भी अच्छा लगे आई हो, क्योंकि मेरा भी कोई आइडिया नहीं है ये कुल्फी के बारे में। सो लेट्स सी, तो आप ब्लॉग एंजॉय करो एंड स्टे ट्यून्ड, मिलता है बाद में।
हैं भैया। एंड मैं पहुंच गई, मैं सोसाइटी आपको बाद में दिखाऊंगी, बट नॉर्मली मैं तभी पहुंच गई। मेरे यहाँ से ना मैक्सिमम 2 किलोमीटर, मैं बाय ऑटो से आई हूँ, आप देखे हो। एंड यहाँ से ना मेरी बुआ का बालकनी दिखता है, पता नहीं वो पक्का मेरे को देख रही होगी, क्योंकि इन लोगों के अप्रूव के बिना ना अंदर अलाउ नहीं करते हैं गेस्ट को। सो चलो चलते हैं, बहुत कूल सोसाइटी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सोसाइटी पूरा। आप बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। दे आर स्टेइंग इन 4th फ्लोर, सो आई वॉन्ट टू गो अप। इसको क्या हो गया, एंड ये है मटका कुल्फी जो कि मैं लाई थी उन लोगों के लिए, लेकिन सच में अच्छा ही था, खाने में भी टेस्टी था। एंड यहाँ मुझे आम मिल गया खाने के लिए, ये देखो रूम बहुत सुंदर है ना। मैंने ना मेरी बुआ को बोला था कि कैमरे के सामने आने, बट उनको शर्म आ रहा है एंड आज वो कुछ टायर्ड है इसीलिए नहीं आएगी, वो बोली थी कि कल आएगी। ठीक है, जब आएगी तभी दिखाएंगे और क्या। कैसा लग रहा है आम दिखने में, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आम खा रही हूँ। एंड ये है सोसाइटी का व्यू जो कि बहुत कूल है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, मैं कल जाऊँगी तो कल दिखाऊँगी। आज तो रात हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है आजकल बैंगलोर में, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया ना, लग रहा है कि स्वेटर पहन के बैठी हूँ। एंड मेरी बुआ की देखो कितने अच्छे अच्छे प्लांट हैं, वो बहुत केयर करते अपने घर का, पता नहीं क्या क्या मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, एक दिन हमको बोल भी रहे थे। मेरे से अगर हो पाए ना तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये पता है कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये सारे के सारे ओरिजिनल प्लांट्स हैं, और भी बहुत हैं अब दूसरे बालकनी में, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। एंड ये है इन लोगों का रूम, ये है इनका घर, इनका हॉल रूम जो कि बहुत सुंदर है। सुबह और ज़्यादा समझ में आ गई, मेरी बुआ मेरी दूसरी वाली बुआ के साथ बात कर रही है, इनकी मतलब मेरी और एक बुआ है जो कोलकाता में रहते हैं, तो उनसे बात कर रही है, वो अभी आज कैमरे पे नहीं आएगी। ठीक है, देखो एकदम मेरी एकदम उसका कंसंट्रेशन बातों में है। चलो बहन है, होता ही है। हाय बोले दाओ। एंड ये है आज का डिश, ये है एक करी एंड ये है फिश का करी जो कि मैं कोकोनट मिल्क पुलाव के साथ खाऊंगी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो अभी डिनर टाइम है, सब लोग मिलकर डिनर करेंगे, फिर मिलता है। एंड हियर इज माई प्लेट, अभी मैं खाऊंगी खाना, मेरे साथ मेरी बुआ है, हम दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं, और मेरे भाई का खाना ऑलरेडी हो गया पहले ही। तो आज के ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, एंड आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। एंड मैं अभी डिनर कर लिया, आज का जो डिनर था वो था कोकोनट मिल्क पुलाव, फिर अंडे का करी, देन फिश का करी। मैं कोकोनट मिल्क पुलाव का ब्लॉग डालूंगी, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड सो इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो बाय, गुड नाइट।